कृपा करके आप अपने नेत्र को खोलें और मेरी तरफ देखें। हे भगवान, आप सभी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। हे भक्तवत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री को साथ लेकर के आपके दर्शन के लिए यहां आऊंगा, इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा, तपस्या कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं करना चाहिए। तपस्वी को निरंतर स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। जब भगवान शिव ने ये बात कही तो ये सुन करके हिमाचल चकित रह गए, व्याकुल हो गए। अब उनको देख चुप देख करके हिमाचल को भगवती पराअम्बा बोल पड़ी, पार्वती ने कहा, हे योगीराज, आपने जो कुछ भी मेरे पिता से कहे उसका उत्तर मैं आपको देती हूं। हे अंतर्यामी, आपने महान तप करने की इच्छा जागृत की है, निश्चय किया। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही तो नहीं है। समस्त कर्मों को करने की शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति सबकी सृष्टि पालन और संहार करती है। प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या क्या और आप कौन है? अगर प्रकृति ना हो तो इस शरीर का स्वरूप कैसा होगा? आप सदा से समस्त प्राणियों के वंदनीय है। ये सब किसके कारण है? ये सब प्रकृति के ही कारण तो है। पार्वती के वचनों को सुन करके भगवान भोलेनाथ हंसने लगे और हंसते हुए बोले, देवी, मैं अपने कठोर तप के द्वारा इस प्रकृति को नाश कर चुका हूं। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूं। जो
जो साधु पुरुष है वो कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करते और उनको करना भी नहीं चाहिए। भगवान शिव के इस वचन को श्रवण करके और भगवती पराम्बा आदि शक्ति महामाया पार्वती हंसने लगी तो कहने लगी, करुणा निधान कल्याणकारी हे योगी राज, क्या जो आपने कहे हैं क्या वह प्रकृति नहीं है? अगर प्रकृति है तो आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं? बोलना या कुछ भी करना अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप यही तो प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हो तो आपको बोलना चाहिए और नहीं कुछ करना चाहिए। भगवान शिव पराम्बा आदि शक्ति पार्वती के वचनों को सुन करके भगवती पराम्बा कहती है, इस सारा का सारा कार्य प्रकृति से ही तो हो रहा है। ये प्राकृत है, भगवान आप हंसते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं और जो भी करते हैं ये सब भी तो प्रकृति ही है। इसलिए आप व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़े। देखो यहां दो वस्तु, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। पार्वती जो कह रही है भगवान शिव से, वो यही कह रही है कि महाराज प्रकृति के बगैर पुरुष कुछ नहीं कर सकता। अब पुरुष के बगैर प्रकृति कुछ नहीं कर सकती, बीज है अगर बीज को मिट्टी का संयोग प्राप्त न हो तो अंकुर नहीं फूटेगा। क्योंकि बीज है पुरुष, मिट्टी है प्रकृति। वो पेड़ नहीं बनेगा, उसमें फूल नहीं लगेंगे, उसमें फल नहीं लगेगा, इसलिए प्रकृति के बगैर
हर जीव निरर्थक, कोई अस्तित्व नहीं। प्रकृति है तो अस्तित्व है, प्रकृति नहीं है इसलिए अस्तित्व नहीं है। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, मेरे आहा। ये भगवान भोलेनाथ बिगड़ी बनाए तुमने, किसके बिगड़ी बनाई है? संसार में सत्य भगवान से भगवती पराम्बा आत्मशक्ति प्रार्थना करती, तर्क में तर्क देती, भगवती कहती सारा संसार किसे बंधा है? प्रकृति से ही तो बंधा है। और इसीलिए जो कुछ भी हम करते हैं ये सब प्रकृति का ही तो देन है। परम्बा आदिशक्ति बार बार तर्क देते हैं कि देवी साधक को निरंतर सब तरफ से को मोर लेना चाहिए। भगवती ने कहा हे देवाधिदेव, मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे बाबा डमरू वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे बाबा डमरू वाले, मेरे चरणों से लगा ले, मेरे बाबा डमरू वाले, मुझे चरणों मेरा वो नाम डमरू वाले, मुझे
जैसे कि किसी उसमें आए हुए, ताली तो बजा लो। देखो चार चीज के बड़ा महत्व है, किस किस चीज की, भोजन में थाली की, बारात में गाली की, ससुराल में साली की, और कथा में ताली की बड़ा महत्व है। भगवान ने हाथ दिए हैं तो कम से कम कथा में बैठे हो ताली जरूर बजाओ।
कर भगवान की जय। जब भगवती पार्वती ने तर्क दिया, हिमालय ने प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने कहा, अब हमारी तप करने की इच्छा है, और तुम्हारी पुत्री नित्य आकर के मेरी दर्शन कर सकती है, मेरी सेवा कर सकती है, इस कार्य की सेवा की आज्ञा मैं प्रदान करता हूं। पार्वती सुनकर के बड़ी प्रसन्न, फिर भगवान त्रिलोकीनाथ की बड़े नमस्कार करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके और नित्य अब पार्वती भगवान सदाशिव के अपने सखियों के साथ जाकर के सेवा कर रहा है। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी आप एक बात बताएं, सती का शरीर नष्ट हो गया, पार्वती के रूप में सती जन्म ली, भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तारकासुर कौन था? जिसने देवताओं को पीड़ित कर दिया था, और देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके बाहर कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मरीचि के पुत्र कश्यप जी के दो पत्नी, एक दिति और दूसरा अदिति, देवताओं की माता है दिति अदिति, और असुरों के माता है दिति, कथा आती है, भागवत में भी ये प्रसंग आया है। कि इंद्र ने जब बलि को भगवान वामन छल लिए, तो दिति को बड़ा कष्ट हुआ,
कि मेरे पुत्रों का ये देवता लोग कैसा दुरुपयोग करते हैं। और इसीलिए दिति ने कश्यप जी से कह करके एक बहुत पराक्रमी पुत्र की इच्छा की थी। दिति की बात सुन करके कश्यप जी ने पुंशवन व्रत बताए और उसको दिति ने की। इंद्र भयभीत होकर के दिति के पास आए और उस पुंशवन व्रत के प्रभाव से दिति ने गर्भाधान किया। उस व्रत में यह नियम था कि झूठे मुंह शयन विश्राम न किया जाए। एक रोज इंद्र आया, कहने लगा, मौसी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी सेवा में रह जाऊं। अब दिति को ये ज्ञान नहीं हुआ कि ये इंद्र सेवा में क्यों रहने के लिए इच्छा जाहिर। दिति ने कही ठीक है, अब सेवा तो इंद्र कर रहा है लेकिन ये इस मौके की तलाश कर रहा है कि कब मौका मिले और जो इनके गर्भ में गर्भस्थ शिशु है उसको मैं मार डालूं। एक रोज दिति दूध रात्रि को पी करके और बगैर कुल्ला किए हुए झूठे मुंह सो गए। इंद्र ने मौका देखा और गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भ में प्रवेश करके उसके 49 टुकड़े कर दिए। जब कुछ दिन पश्चात समय के अनुसार दिति ने बालक को जन्म दी तो 49 बालक हुए। 49 इंद्र से कहने लगे, इंद्र तू सत्य सत्य बता और नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। मैं तो एक बालक की इच्छा की थी, यहां तो 49 बालक हो गए। इंद्र ने कहा, मौसी ये मैंने की, अब ये सारे देवगण हो गए, आप इन्हें मेरे साथ भेजो। अब ये 49 को लेकर के इंद्र चला गया। अब इंद्र के ऊपर बहुत क्रोध आया और जब क्रोध आया तो कश्यप जी से कहने लगे, स्वामी मुझे एक पुत्र चाहिए बलशाली, मुझे एक बलशाली पुत्र चाहिए जो देवताओं को परास्त कर सके।
गावो। कश्यप जी महाराज ने उपाय बताए और उस उपाय को दिति ने की। उसके प्रभाव से दिति ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, अति बलशाली। जब अति बलशाली पुत्र जन्म लिया उस अपने पुत्र का दिति ने वज्रांग नाम रखा। उस वज्रांग ने बहुत शक्ति, और उस वज्रांग ने तपस्या करके छोटे से उम्र में ही, और जब लौटा हाथ जोड़ करके दिति के सामने खड़ी हुई, मां आप मुझे आशीर्वाद दें। दिति ने कहा जाओ देवताओं को परास्त करके स्वर्ग का आधिपत्य छीन लो। मां का आशीर्वाद प्राप्त किया और देवलोक पर चढ़ाई कर। और सभी देवताओं को मार मार करके भगा दिया। और स्वयं राजा बन करके स्वर्ग का बैठ गए। एक दिन कश्यप जी को साथ लेकर के ब्रह्मा जी वज्रांग के पास गए। कि तुम इन देवताओं को इंद्र के द्वारा किया गया अपराध की सजा मत दे। इसे क्षमा करो। वज्रांग ने कहा मुझे स्वर्ग की आधिपत्य की लालसा नहीं है, मैं तो केवल अपनी मां की इच्छा की पूर्ति के लिए, जो इंद्र ने धोखा किया था मेरे मां के साथ, जो विष्णु ने किया धोखा, 12 रूप धारण करके मेरे पूर्वजों को, जो हिरणाक्ष से उनको वध कर दिया, हिरण कश्यप जो मेरे पूर्वज थे उनको वध कर दिया, इंद्र ने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरे 49 भाइयों को मार डाला, इसकी बदला लेने के लिए
मैंने स्वर्ग पर चढ़ाई करके और देवताओं को परास्त करके और स्वर्ग के आधिपत्य को मैंने प्राप्त किया। मुझे स्वर्ग की इच्छा नहीं है, स्वर्ग के साम्राज्य की इच्छा नहीं है। अपनी माता के कहने पर मैंने इस कर्म को किए हैं, लेकिन देवता अब अपने फल को भोग चुके हैं। अब मैं छोड़ करके स्वर्ग उन देवताओं को दे करके मैं चला जाऊंगा। आप मुझे सार तत्व का उपदेश दें। जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो, ये आप उपदेश करें। वज्रांग के उद्देश्य को समझ करके सात्विक तत्व के बारे में ब्रह्मा जी ने वज्रांग को समझाया। फिर ब्रह्मा जी ने एक सुंदर सी स्त्री के साथ ब्रह्मा जी ने उसी समय एक सुंदर से स्त्री को प्रकट किए और उस स्त्री के साथ वज्रांग का विवाह कर। जब वज्रांग का विवाह हो गया, वज्रांग ने स्वर्ग का आधिपत्य देवताओं को समर्पित कर दिया। और स्वयं चला गया अपनी पत्नी को लेकर। कुछ दिन पश्चात वज्रांग की पत्नी ने एक कामना कि मुझे अति बलिष्ठ बलशाली पुत्र चाहिए। वज्रांग ने सोचा ब्रह्मा जी के सार तत्व को का उपदेश मैं ग्रहण कर चुका हूं, अगर अपनी पत्नी के कहे अनुसार कर्म को करता हूं तो ये शास्त्र का अपमान होगा, और अगर अपने पत्नी के कहे हुए वचनों का मैं पालन करता हूं नहीं करता हूं तो मुझे नर्क प्राप्त करना पड़ेगा। तो नर्क से बचने के लिए वज्रांग ने अपनी इस पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए, और धर्मशास्त्र भी कहता है जो अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति नहीं करता, आपने कथा श्रवण किए होंगे
भागवत में कि यही तिथि कश्यप जी से संध्या के समय काम क्रीड़ा का अनुरोध की थी। उस समय कश्यप जी संध्योपासन के लिए स्नान के पश्चात जा रहे थे। उन्होंने बहुत मना किया, देवी ये समय नहीं है, ये कुसमय है। लेकिन दिति नहीं मानी। उन्होंने दिति की इच्छा तो पूर्ण की, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? इसलिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। मन जो कहे वो मन के कहने पर मत चलना। मन एव मनुष्यान कारण बंध मोक्षयो। भगवान कपिल माता देवभूति को कहते हैं कि मां बंधन तो मन ही बांधता है संसार में और मन ही मुक्त कराता है। बांधने वाला भी मन है और बंधन से मुक्त कराने वाला भी मन है। तुम मन के पीछे मत भागो। कि मन ने कहा जो कि आज चाट पकौड़ी खानी है तो चाट वाले की दुकान पे खड़े हो गए। शुगर की बीमारी है और मन ने कहा कि आज रसमलाई खानी है, अब तुम रसमलाई खाओगे तो शुगर बढ़ेगा, फिर तुम परेशान हो। तो मन जो कहे वो नहीं, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। मन जो कहे इसलिए मन के पीछे मत भागो। मन तुम्हारे पीछे भागे। एक बार एक संत बड़े फकीर संत थे, बड़े गंगा किनारे किनारे जा रहे थे, कमर में एक कटिवस्त्र, कंधे पे एक साफा, हाथ में एक कमंडल बस, और भ्रमण करते थे। जहां मिला भिक्षा किया, भूख लगा भिक्षा किया और फिर चलते बने। जब जा रहे तो मनी राम ने कहा आज कढ़ी खाते तो बड़ा अच्छा। बहुत अच्छा रहता। अब मन ने कहा कढ़ी खाना है, महात्मा जी के पास साधन नहीं है, कढ़ी बने कहां से और बनेगा नहीं तो खाएंगे कहां से।
तो महात्मा जी किसी गांव में गए, कहीं से छाछ मांग लिए, कहीं से मिर्च मसाले मांग लिए, कहीं से हरिया मांग लिए, और मांग करके आए जंगल से लकड़ी चुन लिए, वही गंगा के रीतियों में गड्ढा खोदे, लकड़ी जलाई, हरिए में कढ़ी बनाए, कढ़ी बन गई, जाकर के गंगा में स्नान किए, भगवान का पूजन की, कढ़ी लेकर के ठाकुर जी को भोग लगाए। और खाने लगे। अब कढ़ी पीते पीते यहां तक आ गया। अब जब एकदम मुंह तक भर आया तो बाहर बोमट, फिर उसी पात्र में उस वोमिटिंग को ले लेते हैं और फिर पी लेते हैं, फिर बाहर निकलता है, फिर पीते हैं। और मणिराम से कहते, आज जितना तेरे को कढ़ी पीना पी ले, आज के बाद ये मत कहना कि मुझे फिर कढ़ी पीनी है। तुम मन जो कहे वो मत, मेरे भाई बहन, मणिराम तो संसार में जीव को फंसाता है। उन्होंने बद्रांग ने सोचा, अगर पत्नी के इच्छा को पूर्ण नहीं करता हूं तो नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक की प्राप्ति न हो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण किया। बजरंग की पत्नी ने गर्भाधान की और दसवें महीने में एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेने के बाद जिस समय वो बालक जन्म लिया, समुद्र में तूफान आ गए, पर्वत हिलने लगे, वृक्ष गिरने लगे, आंधी तूफान, आकाश से रुधिर की बारिश, बादल गरजने लगा, जब वो बालक बड़ा हुआ तपस्या करने के लिए गया और कठोर तप किया, ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, ब्रह्मब्रोह वरदान मांगो।
ब्रह्मा जी से उस बालक ने कहा, ब्रह्मण अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि मैं अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, बस जाओ तुम्हें मैं वरदान देता हूं। कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु किसी देवता के हाथ से नहीं, भगवान विष्णु के हाथ से भी नहीं, भगवान शिव के भी हाथ से नहीं, मेरे हाथ से भी नहीं, तुम्हारी मृत्यु भगवान के शिव के वीर्य से जो उत्पन्न बालक होगा उसके हाथ से होगा। तारकासुर तप के बाद अब तो स्वर्ग लोक पे चढ़ाई कर, अब देवता लोग इधर उधर भागने लगे कंदराओं में। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आपने ये क्या की, आपने ऐसा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या करूं, उसने तपस्या की और तप करके उसने ये वरदान मांगा, मैंने उसे वरदान दे दिया। लेकिन अब होगा क्या, आपने तो वरदान दिए हैं शिव के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा उसी के हाथ इसकी मृत्यु है, लेकिन भगवान शिव तो समाधि में है, वो तो विवाह न करने का निर्णय ले चुके हैं। अब क्या होगा, अब सब देवता मिलकर के स्वर्ग में सलाह करने लगे। सब ने कहा, देखो कामदेव की सहायता लो, काम ही एक ऐसा है जो भगवान का समाधि भंग कर सकता है। शिव की समाधि तोड़ सकता है केवल एक काम, इसलिए काम का सहायता दो। कामदेव का को इंद्र ने कहा, भैया काम तुम जाओ और भगवान शिव के तपस्या को भंग करो।